Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 5, subject EVS2, chapter What is History? Let us now begin. Last year in Standard 4, we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. The time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now, and in other words, the time 400 years ago. First time हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था किस तरीके से उन्होंने हमें स्वराज दिलाया, लेकिन ये जो बात है वो 400 साल पुरानी है, ठीक है? 400 साल पुरानी. For our convenience, we divide time in different ways. Often we use words like now, some time ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow, or this year, next year, etc. When we use these words, we are actually measuring time. जब हम ये सब वर्ड यूज़ करते हैं now, tomorrow, next year, last year, जब हम ये सब वर्ड यूज़ करते हैं एक्चुअली हम लोग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि now, today, और this year, these terms indicate present. इसका मतलब अभी हम present time के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम yesterday, some time ago और last year के बारे में बोलते हैं, यानी हम past की बात कर रहे हैं. वैसे ही जब मैं बोलूँगा कि after some time या tomorrow या next year, इसका मतलब मैं indicate कर रहा हूँ future की तरफ. That has already gone by is the past. The time that we are now is the present. The time that is yet to come is the future. The past includes many events that have already taken place. For example, if you are 10 years old today, it means that the event of your birth happened 10 years ago in the past. जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट का टाइम है, अभी मैं 10 साल का हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो बर्थ है वो 10 साल पहले हुआ था, और आने वाले 10 साल में मेरा फ्यूचर कैसा होगा. सो ये सब टर्म्स हम यूज़ करते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए. जो बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है, दैट इज़ पास्ट. जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. There are many things that happened since our birth that we may not know about. However, our grandparents or parents or other often tell us amusing stories of our childhood. ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो evidence है, यानी कि जो सबूत हमें मिले हैं history के बारे में, जो चीज़ें हमें मिली वो सही है या झूठी है या fake है. बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं जो हमें दूसरों से सुनने में आती है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बताते हैं, बट हमें कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि अलग अलग जन अलग अलग कहानी बताते हैं, तो हम पता नहीं कर पाते कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. देयरफॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंस. हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि हम पास्ट के इवेंट्स को वापस से क्रिएट नहीं कर सकते. जो चीज़ हो चुकी है हम उसको सेम सिनेरियो वापस से बना नहीं सकते, तो इसलिए जो हिस्ट्री है ना वहाँ, मतलब उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है. हाँ, पर हिस्ट्री की जानकारी हमें मिल सकती है किन चीज़ों से, जैसे कि एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, लिखित चीज़ें, केव पेंटिंग. इन सारी चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. The sources of history are of three types, that is, material source, written source, and oral source. In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. हमें इस evidence को examine करना होगा. जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी evidence हमें मिलता है हम direct उस पर भरोसा नहीं कर सकते, पहले हम उसे चेक करना पड़ेगा कि वो सच है या झूठ है. और जब हम उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगा देंगे और जब हमें पक्का हो गया कि ये सही चीज़ है, तो हम उसको, दैट मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एटसेट्रा. जो साइंस है वो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में हेल्प करती है, जैसे कि हमारा एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, या पॉल्यूशन किस चीज़ से हो रहा है. इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हम साइंस के थ्रू ढूंढ सकते हैं. उसी तरीके से जैसे हर साइंस का अपना एक एरिया होता है स्टडी का, वैसे ही हिस्ट्री का भी अपना एक एरिया है. हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट. जो हिस्ट्री है वो पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करता है. इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस.
They result in environment that may be either favorable or unfavorable for the society. For example, if people of a village work together and help one another, the village makes good progress. इंसान जो साथ में मिलकर जो भी चीज़ें करते हैं या इंसान जो भी एक्शंस लेते हैं उनका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है जो हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिख रहा है. पहला, अगर इंसान एक गांव के जितने भी लोग अगर सब साथ मिलकर अच्छे से काम करें तो वो गाँव प्रोग्रेस करेगा. लेकिन अगर वो लोग आपस में झगड़ा करें तो उनके डेवलपमेंट में बहुत सारी रुकावटें आएगी और शायद उनका डेवलपमेंट कभी ना हो पाए. By telling us life stories of great people, history also serves to inspire and to motivate us. History जो है हमें ऐसे ऐसे leaders के बारे में जानकारी देता है जिनके बारे में सुन के हमें inspiration और motivation मिलता है. By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilization. History से हमें पता चलता है कि हमारी country में और दूसरे countries में क्या relations थे, हमने दूसरे दूसरे civilization से क्या क्या चीज़ें सीखा. ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को चेंज करने में हेल्प करी है. एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री. सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन, वाटर बॉडीज, एनिमल वर्ल्ड एंड मैनकाइंड ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री. हर जगह का, हर इंसान का, कंट्री का या हर किसी भी चीज़ों का, हर एक चीज़ का अपना अपना एक इतिहास होता है. यहाँ तक कि साइंस का भी. एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री. साइंस में जो भी इन्वेंशन हुआ है उसके पीछे कहानी, वो सारी चीज़ें कैसे आई, हमने कौन से सिविलाइजेशन से क्या क्या चीज़ें सिखाई या साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च करके या गलती करके वो चीज़ें बनाई. द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स. फॉर एग्जांपल, द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस. दिस इज हिस्टोरिकल एक्शन. एज अ रिजल्ट, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15th अगस्त 1947. सो वी कैन से दैट Independence was a consequence of an action, that is the India's people's struggle for independence. जैसे कि हमने बताया था, हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है. तो वैसे हमने जो स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए उसका इफेक्ट ये था कि हमें इंडिपेंडेंस मिला ऑन 15th अगस्त. इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टूडे आर लिंक्ड विद पास्ट एक्शन. वेन वी अंडरस्टैंड दिस, वी रियलाइज दैट द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पास्ट इवेंट्स. जो फ्यूचर है वो हमारा पास्ट इवेंट से जुड़ा हुआ है. जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टूल्स. हमने जो टूल्स स्टोन एज में बनाए थे उसी के हेल्प से हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्वायर की है. जैसे कि नेचर से हमने सीखा फायर का यूज़ कैसे करते हैं, व्हील का यूज़ कैसे करते हैं. तो आज की जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है. दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टूडे. इन्वेंशंस ऑफ टूडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट.